छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से पाए छुटकारा, ले आयुर्वेद का सहारा। असाध्य से असहाय बीमारी का इलाज केवल एक रिनॉट्स नोवा, जो कि सुगर, कैंसर, पाइल्स, बीपी बीमारियों के ठीक करने का दावा करती है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9329202423। अरे आज प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित हो गया। इसमें बिलासपुर जिले की तनु यादव ने 96.60 अंकों के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। तनु ने 12वीं में भी टॉप 10 में शामिल रह चुकी है। तनु बायोलॉजी की स्टूडेंट है। तनु का कहना है कि हॉस्टल में रहकर रोजाना 7 से 8 घंटे की पढ़ाई से ये सफलता मिली है। तनु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने साथियों, गुरुजनों और परिजनों को दिया है। तनु का लक्ष्य डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का है। कैसा लग रहा है बेटा आप रिजल्ट सुन के? क्या रिजल्ट आया आपका, कैसा लग रहा है? क्या चाहते थे आप, कैसा लगता है, मतलब पढ़ाई के पीछे क्या क्या आपको दे रहा है, कैसे पढ़ाई करते थे आप? मैं मतलब हॉस्टल में रहती थी अभी तो, इससे पहले उसलापुर में, और वहाँ हम लोग सबको एक साथ मिलकर पढ़ते थे डेली 6 से 7 घंटे, साथ ही नीट का प्रिपरेशन भी चलता था कोचिंग शाम को डेली, तो उस चक्कर में ज़्यादा मतलब बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं हो पाया। फिर भी अपने तरफ से मैं की थी जितना होता है, डेली 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। ठीक है, मैं कितने को देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय मेरे हॉस्टल में जितने फ्रेंड्स हैं, मम्मी पापा हैं और मेरी टीचर्स हैं, मेरी प्रिंसिपल हैं जो उसलापुर की हैं, उनको देना चाहते हैं। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे तो अभी नीट के एग्ज़ाम दिलाने हैं और डॉक्टर बनने का सपना है। दसवीं में भी आप कौन सा रैंक आया था आपका? दसवीं में 8th चला गया था, पहले 6th था लेकिन 8th चला गया था बाद में। और वही शहर के लवेश गोयल ने भी कड़ी मेहनत कर 12वीं में 95.4% अंक पाकर टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त किया। लवेश आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। टॉपर की सूची में नाम आने के बाद घर में खुशी का माहौल है। शहर में टॉपरों को लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। मेरा नाम लवेश गोयल है, मैं भारत माता इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा अभी छत्तीसगढ़ में 8th पोजीशन आया है विद 95.4%। और इसका जो श्रेय है मैं पूरा अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल को देना चाहूँगा, खासकर प्रिंसिपल को जिन्होंने स्कूल में बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया और हमेशा मेरे को मोटिवेट किया। हाफली में जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई थी उनको मेरे टीचर्स ने वेरीफाई किया और मुझे अच्छे से गाइडलाइन दी कि बोर्ड में कैसे लिखना है, बोर्ड में किस पैटर्न पे लिखना है, और उन्होंने जो बुक्स रिफर की हैं मैंने वो बुक्स बिल्कुल पढ़ी हैं और जिनसे मेरे को अभी फ़ायदा मिला है। मैं कोशिश करता था कि मेरी रोज़ 12 आवर्स मिनिमम तो होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे टीचर्स ने मेरे को सजेस्ट किया था कि मिनिमम 12 आवर्स होना चाहिए और मैं उसको कोशिश भी किया था। तो करेंटली मेरे को आईटी कंप्यूटर साइंस में मेरे को एडमिशन चाहिए और अभी मैं जनवरी में जो मेंस हुआ था उसमें मैंने 98.010% मैंने उसमें स्कोर किया था और अभी 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 एडवांस आने वाला है तो उसका मैं आकाश में तैयारी कर रहा हूँ। मेरा 10th क्लास में 91.9% था। मैं बस अपने जूनियर्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने टीचर्स की बात माने, आँख बंद करके आप अपने टीचर से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर्स और आप पेरेंट्स ही हैं जो आपसे हमेशा विश्वास करेंगे। आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो उनको वेरीफाई करेंगे और आपको गाइडलाइंस अच्छी देंगे कि आप 12th में बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें।